बहुत सारे स्टूडेंट को ये कन्फ्यूजन होती है कि जेई मेंस क्या है और जेई एडवांस क्या है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बेसिकली इसी बारे में बात करेंगे कि जेई मेंस क्या होता है, जेई एडवांस क्या होता है, आईआईटी जेई क्या होती है। तो ये सारी बातें आज की वीडियो में बात करेंगे। अगर आपने अभी 10th क्लास पास किया फिर पास करने वाले तो ये सारी बातें आपको जाननी चाहिए। उसके साथ साथ अगर आपको आगे जाके इंजीनियरिंग करना है तो दोस्तों आपके लिए तो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आयुष अरीना यूट्यूब चैनल। तो चले अब हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। 12th के बाद स्टूडेंट कई सारे कोर्स कर सकते हैं, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग किसी भी फील्ड में जा सकते हैं, लेकिन उसी में से एक फील्ड होता है इंजीनियरिंग। जी हाँ दोस्तों, इंजीनियरिंग आजकल के टाइम में बहुत ही हॉट ऑप्शन है, लेकिन शर्त यह है कि आपने अच्छी तरीके से और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट अच्छे कॉलेज से अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई की हो। उसके बाद आपको जॉब प्लेसमेंट आसानी से मिल जाती है। लेकिन अगर किसी को भी इंजीनियरिंग करनी होती है तो इंजीनियरिंग करने के लिए इंडिया में जो सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट होता है दोस्तों वो होता है आईआईटी। आईआईटी जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। दोस्तों अगर किसी भी स्टूडेंट को इंजीनियरिंग करना होता है ना तो उसका सपना होता है कि आईआईटी से इंजीनियरिंग करे, आईआईटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान से इंजीनियरिंग करे। लेकिन आईआईटी में एडमिशन लेना इतना आसान भी नहीं होता, उसके लिए आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करनी पड़ती है, उसका एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना पड़ता है, तभी जाके आपका उसमें एडमिशन हो पाता है। आईआईटी में एडमिशन के लिए आपको 2 तरीके का एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। फिर आप ऐसे कर सकते हो कि 2 स्टेज होते हैं आईआईटी में एडमिशन के लिए। जो पहला स्टेज होता है जेई मेन्स, जेईई यानी कि ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम, जेई मेन्स, ये पहला पेपर होता है। अगर कोई स्टूडेंट जेई मेंस क्वालिफाई कर जाता है उसके बाद ही वो एलिजिबल हो पाता है जेई एडवांस के लिए। जेई एडवांस अगर जो स्टूडेंट अच्छे नंबर से क्रैक करता है यानी कि अच्छे नंबर से क्वालिफाई करता है उसी को आईआईटी में एडमिशन मिल पाता है। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने जेई मेंस तो क्वालिफाई कर लिया लेकिन जेई एडवांस क्वालिफाई नहीं कर पाया, तब क्या होगा। तो दोस्तों देखो, जिस तरीके से जेई एडवांस क्वालिफाई करने के बाद आईआईटी में आपका एडमिशन हो सकता है, उसी तरीके से मान लो कि आपने जेई मेंस क्वालिफाई कर लिया लेकिन किसी भी रीजन से जेई एडवांस आप क्वालिफाई नहीं कर पाए, लेकिन आपने जेई मेंस तो क्वालिफाई किया ना। अगर आपने जेई मेंस अच्छे नंबर से क्वालिफाई किया है तो दोस्तों आपको एनआईटी मिल सकता है। एनआईटी यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। देखो जैसे कि इंजीनियरिंग के लिए बेस्ट तो आईआईटी है ही, लेकिन जो सेकेंड बेस्ट है वो आप एनआईटी कह सकते हो। हमारे देश में बहुत सारे आईआईटी कॉलेज भी हैं, बहुत सारे एनआईटी कॉलेज भी हैं, लेकिन जो टॉप के 3, 4, 5 कॉलेज हैं वो सबसे बेस्ट होते हैं। कहने को तो हमारे देश में 23 यानी कि 23 आईआईटी कॉलेज हैं और एनआईटी कॉलेज भी बहुत है, लेकिन दोस्तों अगर आपको टॉप के आईआईटी कॉलेज में एडमिशन लेना है, जैसे आईआईटी बॉम्बे हो गया, आईआईटी दिल्ली हो गई, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी मद्रास, इस तरीके के जो टॉप आईआईटी कॉलेज में, इसके लिए ना सिर्फ आपको जेई एडवांस क्वालिफाई करने पड़ेगा बल्कि अच्छे रैंक से आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, तभी आपको इन सारे जो टॉप के आईआईटी कॉलेज है उसमें आपका एडमिशन हो जाएगा। उसी तरीके से मान लीजिए कि आपको एनआईटी कॉलेज ही मिल रहा है, लेकिन आपको सिर्फ एनआईटी नहीं लेना, अगर आपको अच्छा एनआईटी कॉलेज मिले ना तभी आपको उसका ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो आप समझ चुके हो कि जो जेई मेंस होता है और जो जेई एडवांस होता है ये इंजीनियरिंग एडमिशन के लिए एक तरीके का एंट्रेंस एग्जाम होता है। उसके अलावा आपको आईआईटी के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहिए ना, जैसे आईआईटी की फीस कितनी होती है, किस तरीके से उसमें एडमिशन हो सकता है, कब आप एडमिशन दे सकते हो, कब उसका फॉर्म आता है, कब आप अप्लाई कर सकते हो, मतलब सारी चीज़ अगर आपको जानना है तो मैंने एक आर्टिकल लिखा अपनी वेबसाइट पर, उसका लिंक दे दूंगा, आप एक बार उस पर जाके जरूर पढ़ेगा, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो दोस्तों एक छोटी सी वीडियो थी लेकिन आपके बहुत काम की हो सकती है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। उसके अलावा कुछ पूछना है तो भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। आप सभी ने इस वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।